होली हो और हम गुजिया ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गुजिया के बगैर होली होली लगती ही नहीं है। तो बस आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बढ़िया सी गुजिया की रेसिपी। इसको मैंने बिना गुजिया मेकर के बनाया है, तो अगर आपके पास भी गुजिया मेकर नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इससे आप आराम से घर पे बढ़िया एकदम बाजार जैसी गुजिया बना सकते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से अब हम ये रेसिपी देख लेते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैदा गूंदने से। तो यहाँ पे मैं मैदा ले रही हूँ एक पूरा कप और एक हाफ कप, यानी कि 1.5 कप यहाँ पे मैं मैदे का ले रही हूँ। मैदा डालने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल के यूज़ कर रही हूँ। इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं ये डाल दूंगी। उसके बाद अब इसको हम अच्छी तरीके से मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो जिस तरीके से मैं हाथों से मिक्स कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा मसल के और अच्छी तरीके से इसको हम मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसको जब हम मुट्ठी में बंद करें तो ये इस तरीके का बिल्कुल बंध जाना चाहिए, तब तक इसे हमें हाथ से मसलना है। उसके बाद ही इसमें हम पानी डालेंगे। तो थोड़ा सा पानी डाल के अब ये आटा हम गूंद लेंगे। पानी आपको एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, नहीं तो आटा पतला हो जाएगा। पहले थोड़ा सा डाल के उसको अच्छी तरीके से हम गूंद लेंगे, उसके बाद फिर अगर पानी की ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा और डालेंगे। इसमें जो आपको मैदे का डो बनाना है वो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, अगर वो पतला होगा तो वो एकदम से संभाला नहीं जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हार्ड रखें ताकि आराम से वो फोल्ड हो सके। इसके बाद जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो बस इसके ऊपर हम थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे और इसको एक बार और मल लेंगे करीब आधे मिनट के लिए। इसको अब हम एक साफ कपड़े से ढक के रख देंगे करीब 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। और जब तक ये फूलता है तब तक हम कर लेते हैं जो इसकी स्टफिंग है उसकी तैयारी। अब एक पैन लेके उसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप सूजी का लिया है, इसको डाल देंगे। इस टाइम पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गैस का जो फ्लेम है वो एकदम लो होना चाहिए। अब इसको हम लो फ्लेम में ही भूनेंगे, अगर फ्लेम हाई हुआ तो सूजी बहुत जल्दी जल जाती है। तो इसको लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट लगते हैं भूनने में, 4 से 5 मिनट इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक ये थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए जब इस तरीके से ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो बस हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ऑफ करने के बाद भी 1 मिनट तक इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि पैन गर्म होता है और गर्म होगा तो जो नीचे की साइड में सूजी है वो जल जाएगी। तो गैस बंद करने के बाद भी इसको 1 मिनट के लिए हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। जब लगे आपको कि अब पैन भी ठंडा हो गया है तो बस इसको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम खोए को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम खोआ लिया है, इसको भी एक बार हम पैन में डाल के भून लेंगे। आप जैसे ही इसको गैस के ऊपर डालेंगे तो ये विद इन आधा मिनट ये एकदम ढीला पड़ जाएगा। इसको भी हमें लो फ्लेम में ही भूनना है, गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। ये देखिए थोड़ी देर में ही ये इस तरीके का एकदम ढीला पड़ जाता है। इसको हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे, 2 या 2.5 मिनट मैक्स, इतना ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, इतना ही हम इसे भूनेंगे। और उसके बाद इसमें जो हमने सूजी अलग से भून के रखी थी उसको डाल देंगे। तो सारी सूजी इसमें डालें। सूजी डालने के बाद दोबारा से इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करें। तो ये देखिए सूजी मेरी अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं थोड़े से काजू, किशमिश, बादाम और चिरौंजी। तो वो सारी चीज़ें इसमें डाल के आप ड्राई फ्रूट्स कोई भी अपनी मनपसंद के ले सकते हैं, इसमें पिस्ता डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो डालें। इसमें कटा हुआ नारियल डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है।
तो वो डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, और जब आप ये मिक्स कर रहे होंगे उस टाइम पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, ताकि ये जो मसाला है थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और उसके बाद फिर इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 3/4 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। आप चीनी अपने हिसाब से थोड़ी बहुत एडजस्ट कर लें, अगर आप कम मीठा खाते हैं तो 1/2 कप चीनी बहुत हो जाएगी। तो चीनी डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप चीनी डालें तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए, नहीं तो चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आप ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे उसी टाइम पे आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अब ये मसाला बिल्कुल रेडी है। बस लास्ट में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, या थोड़ी 1 या 2 इलायची कूट के इसमें आप डाल दें, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर देंगे, और बस इसके बाद चलते हैं जो हमने मैदा गूथा है उसकी तरफ, वो देख लेते हैं। इधर पे अब हम मैदा भी देख लेते हैं। तो मैदा भी अच्छी तरीके से अब फूल गया है जितना हमें चाहिए है। ये देखिए बढ़िया अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया हमारा डो। इसको हम थोड़ी देर और मल लेंगे, करीब 1/2 मिनट के लिए मल लें, वो काफ़ी होगा। और इसके बाद अब हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ के रख लेते हैं जिस साइज़ की हमें गुजिया बनानी है। तो इसकी लोइयां थोड़ी छोटी रखिएगा, जैसे पूड़ी होती है बस उसी साइज़ की रखनी है। ये है कि आपको ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी, ना बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। तो इसलिए जो आप इसकी लोई बनाएं वो ठीक ठीक साइज़ की बनाएं। ये आप देख सकते हैं जितनी मैं बना रही हूँ उतनी काफ़ी है। इससे गुजिया ना बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी ना छोटी बनेगी, मीडियम साइज़ की गुजिया बनेगी आपकी। तो सारी लोइयां हम इसी तरीके से तोड़ लेते हैं। अब इनको हथेलियों के बीच में दबा के इस तरीके से हम गोल कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो सारी जो हमने छोटी छोटी लोइयां बनाई हैं उनको इसी तरीके से हमें गोल कर लेना है। अब इसको हम बेल लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें तेल लगा के इसको हम इस तरीके से रखेंगे, और उसके बाद जैसे कि नॉर्मल पूरी बेलते हैं वैसे इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली होगी तो फिर ये टूट जाएगी जब इसमें आप मसाला डालेंगे, और अगर मोटी होगी तो अच्छी तरीके से फोल्ड नहीं होगी। तो थोड़ा इसको मीडियम साइज़ में रखिएगा। अब इसके बीच में जो हमने इसका मसाला बनाया था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख के डालिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मसाला भर जाएगा तो फिर ये कहीं ना कहीं से टूट जाएगी। तो ये बहुत सोच समझ के आपको भरना है। मसाला भरने के बाद इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, मसाले को थोड़ा अंदर प्रेस करते हुए इसको हम फोल्ड कर देंगे। अब इसकी साइड्स जो हैं उसको हम दबा देंगे ताकि ये सील हो जाए। इसके बाद मेन काम है इसको फोल्ड करने का। तो इस तरीके से पहले एक कॉर्नर प्रेस करें, उसको फोल्ड करें, फिर प्रेस करें, फिर इसको इस तरीके से फोल्ड करें, फिर प्रेस करें और फोल्ड करें। तो बस इसी तरीके से आपको पूरी गुजिया जो है वो फोल्ड कर देनी है। ये देखिए प्रेस करना है और बस वो कॉर्नर से आपको फोल्ड कर देना है, प्रेस एंड फोल्ड। जहाँ से खुले वहाँ से उसको प्रेस कर लें, दोबारा से उसको बंद कर दें, और इसी तरीके से सारी गुजिया को हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप पहली बार करेंगे तो शायद आपको 1-2 गुजिया बनाने में टाइम लगे, बट उसके बाद ये आराम से बन जाएगी। कॉर्नर को इस तरीके से हम साइड में फोल्ड करके, अगर थोड़ा ज़्यादा हो तो उसको निकाल भी सकते हैं। ये देखिए ये बढ़िया सी गुजिया हमारी बन के तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट साइज़ भी बना है इसका। तो बस इसी तरीके से अब हम जो सारी गुजियां हैं वो बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारी बना के रखी हुई हैं। तो ये देखिए सारी एक साइज़ की बनेंगी अगर आप पहले लोइयां बना के रख लेंगे तो। अब इसके बाद जो लास्ट काम है वो ये है कि इन्हें हमें फ्राई करना है। तो कढ़ाई में हम तेल या घी जिसमें भी आपको फ्राई करना है उसको गर्म कर लें। उसके बाद एक एक करके इसमें हम जो हमारी गुजियां हैं वो डालेंगे। तेल अच्छी तरीके से गरम कर लें, उसके बाद फिर गैस का फ्लेम लो कर लें, उसके बाद ही इसमें गुजिया डालें। गुजिया को पहले 3 से 4 मिनट हमें लो फ्लेम में पकाना है, और उसके बाद इसकी फ्लेम हम हाई कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में लो फ्लेम और उसके बाद फिर हाई फ्लेम। तो इस तरीके से जितनी भी गुजिया आपकी कढ़ाई में फिट आती हैं सारी डाल दें। इसमें ना चिपकने का कोई डर रहता है ना टूटने का कोई डर रहता है, जितनी आए वो डाल दें।
उसके बाद फिर जब आप पूरी गुजिया डाल लेंगे तो जो आपने फर्स्ट में डाली हैं उनको एक बार हम पलट लेंगे। इसको बीच बीच में थोड़ी जल्दी पलटना होता है, तो बस इस तरीके से इसको बीच बीच में हम पलट के और इसको पका लेंगे। हर एक मिनट में इसको हम टर्न कर लेंगे और इसी तरीके से टर्न करते करते इसको हम पकाएंगे। करीब 7 से 8 मिनट बाद इस तरीके से गुजिया ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये फ्राई हो गई है। इसको 4 से 5 मिनट हमें लो फ्लेम में पकाना है, उसके बाद फिर हम गैस का फ्लेम हाई कर सकते हैं। तो बस जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए तो इसको हम एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए हमारी सारी गुजिया बनके तैयार हो चुकी है। अब चाहें तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं एक साइड में, कैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। होप आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं अब आपसे ऐसे ही बढ़िया और अच्छी रेसिपी के साथ।